तमाम बहने माताएं आपके चेहरे पर जो नूर है, आपके चेहरे पर जो रौनक है, एक बार मोदी देख ले अपने आप रिजाइन कर लेगा। ये हम सबका धरना तो है, लेकिन विशेष तौर पे आप तमाम बहने और आप तमाम क्रांतिकारी माताओं का धरना है। और इसीलिए आज मैं यहां कोई लंबा भाषण करने नहीं, आपके चेहरे का ये नूर देखने के लिए आया हूं। आज मैं यहां आपके बीच में पटना के सब्जी बाग और दिल्ली के शाहीन बाग की बहनों और माताओं का पैगाम लेकर आया हूं। और पैगाम यह है कि पटना में बहने और माताएं वहां पर डटकर बैठी है, शाहीन बाग में बहने और माताएं डटकर बैठी है। आप बहने और माताएं भी संघर्ष जारी रखिए, इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। मीडिया के बहुत साथी हमको पूछते हैं क्या आप सब्जी बात क्यों जाते हैं, तो लोग खास करके पत्रकार साथी हमको पूछते हैं कि आप शाहीन बाग और शाहीन बाग की तरह भारत में अलग अलग जगह पर जितने भी शाहीन बाग खड़े हुए हैं वहां पर क्यों जाते हैं। आज इस मुल्क में जिसका भी जमीर जिंदा है वो तमाम लोग शाहीन बाग जाते हैं। जो लोग मनुस्मृति में मानते हैं वो डिटेंशन सेंटर बनाते हैं, जो संविधान में मानते हैं वो शाहीन बाग खड़ा करते हैं, वो शाहीन बाग का निर्माण करते हैं। जब हम दिल्ली गए तो देखा कि हजारों की तादाद में बहने और माताएं हैं, और तभी मोदी जी का वो फोटो याद आया जब हर साल वो चुनाव के पहले पूरे भारत के कैमरे वाले पत्रकार और मीडिया वालों को ले जाकर अपनी मां का पैर छूते हैं और अपनी मां का भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शाहीन बाग की बहनों में मोदी जी को अपनी मां नहीं दिखी। मुस्लिम बहनों के बड़े रहनुमा बनने की कोशिश की, सिरा फुला फुला कर कहते थे मैं भी मुस्लिम बहनों का भाई हूं, लेकिन शाहीन बाग की बहनों में ना अपनी बहन दिखी ना शाहीन बाग की माताओं में अपनी माता दिखी। छब्बीस जनवरी के दिन कौन तिरंगा लहराए वहां पर, मौत लिंचिंग में जिस साथी जुनेद को हमने खोया उनकी माता जी और रोहित वेमुला की माता जी राधिका वेमुला दोनों साथ में, मानो कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का पैगाम लेकर आई हो। आप तमाम बहनों और माताओं को कहना चाहता हूं, सारे शाहीन बाग से जाकर यह बात कही है और इस बात को हमेशा याद रखिए और लिख लीजिए कि मोदी जी का अब एक ही सपना है कि इतिहास की आठवीं कक्षा में
इतिहास की किसी किताब में उनका पाठ आए, लेकिन पाठ मोदी और अमित शाह का नहीं, पाठ शाहीन बाग का आएगा, सत्ता के आएगा, कैदियों के बिलाल बाग का आएगा। क्योंकि आप लोगों ने इतिहास का निर्माण किया, जब इस मुल्क का इतिहास लिखा जाएगा कि कौन इस देश में जब आग लगी थी तब बुझाने के लिए कौन बाहर निकला था, जब भारत की आत्मा पर प्रहार हो रहा था, जब भारत की छाती पर खेद हो रहा था, जब भारत के संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ा जा रहा था, तब इस मुल्क की पहले और मुस्लिम औरतें बाहर निकली और इसलिए और एनआरसी के नॉनसेंस के खिलाफ हम इसलिए हैं, इस कानून का मतलब है हमारे तिरंगे का अपमान, इस कानून का मतलब है आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं समझना, इस कानून का मतलब है भारत की छाती पर छेद करना, इस कानून का मतलब है अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान को और उनकी शहादत का अपमान करना, और इसलिए हम इस कानून के खिलाफ। हमारा मुल्क केवल एक जाति या धर्म के लोगों के लिए नहीं, जब भगत सिंह को मुकदमे की कार्यवाही में परेशान किया जाता था तब उन्होंने एक निबंध लिखा था कि अदालत एक ढकोसला है और उस ढकोसले के खिलाफ पूरे भारत में से केवल एक जज था जो भगत सिंह के समर्थन में उनके साथ खड़े रहते हुए रेजिग्नेशन दे दिया। उस जज का नाम था जस्टिस आला हैदर, एक मुस्लिम जज। ये विरासत है इस मुल्क की, और मोदी और अमित शाह को अभी भारत का पूरा परिचय नहीं हुआ है। भारत का मतलब केवल गुजरात नहीं होता है, वो गुजरात से है तो हम भी गुजरात से हैं, लेकिन हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं क्योंकि हम संविधान के साथ खड़े हैं। और आज इस बिलाल बाग का सातवां दिन है। आप तमाम बहने माताओं को मैं ज्यादा न कहते हुए शुभकामनाएं देता हूं, आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं, आपके स्पिरिट को सलाम करता हूं, और ये मंच, ये धरना, ये लड़ाई हम लोगों के मुकाबले आप तमाम बहनों और माताओं का ही बड़ा रहे, इस उम्मीद के साथ पूरे देश के अंदर जहां जहां पर जाऊंगा तो आज जैसे शाहीन बाग का पैगाम लेकर आया हूं, उसी तरह बेंगलोर के इस बिलाल बाग का पैगाम लेकर पूरे भारत में जाऊंगा। और लड़ाई बड़ी लंबी है, हम बड़े मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, तकलीफ में है मुल्क, लेकिन अब तक 60-70 लाख लोग सड़क पर उतर चुके हैं, इस बात का मोदी जी को भी पता चल गया। यदि हम लोग अपने इस जज्बे के साथ साथ केवल एक बात को समझ लें कि जय श्री राम और नारे तकदीर के नारों को सड़कों पर लेकर ना आए, उसको अपने दिल और अपने घर में रखें, इस बात को समझे कि लड़ाई कोई मुस्लिम बनाम हिंदू की नहीं, कोई भारत बनाम पाकिस्तान की नहीं, ये लड़ाई भाजपा बनाम पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे भारत की लड़ाई है। और अब तक जो लोग 60-70 लाख लोग जो अब तक सड़क पर उतरे हैं सीए और एनआरसी के खिलाफ, एक बार, सिर्फ एक दिन, एक घंटे के लिए
यही तमाम 70 लाख लोग शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई और रोजगार के सवाल पर एक बार निकले, इस मुल्क में इंकलाब आ जाएगा। तो ज्यादा न कहते हुए आप तमाम को पूरे गुजरात और पूरे भारत के दलित और युवा छात्र नौजवानों की ओर से मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब की तबाद। आप ही की तरह कुछ इंसाफ पसंद लोग गुजरात के अहमदाबाद में भी शाहीन बाग खड़ा किए, वहां पर भी बहने और माताओं के चेहरे पर रौनक और नूर है। आपका नूर और उनका नूर, पटना की सब्जी बाग की बहनों का नूर, दिल्ली की शाहीन बाग की बहनों का नूर पूरे भारत में उजाला करेगा। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को रखते हैं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।